हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल और बहुत ही आसान बनने वाला नाश्ता, जो कि जिन्हें हम कहते हैं पोहा आलू कटलेट, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में बच्चे उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पोहा कटलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। भीगा हुआ पोहा, ब्रेड क्रम, मैश करे हुए आलू, आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, जीरा, कोरिएंडर मींस धनिया एंड ग्रीन चिली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके से हमें इन सभी चीजों को मिक्स करना है, तो चलिए मिक्स करना शुरू करते हैं। खाली बाउल ले लिया है और इसमें मैं अपने मिक्स करे हुए आलू को, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, उन्हें हम अपने इस बाउल में मिक्स कर लेंगे। भीगा हुआ पोहा, ग्रीन चिली मींस हरी मिर्च, धनिया, जीरा, लास्ट में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और इस सबको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। मैंने अपना सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो मिक्स कर लिए, बहुत ही अच्छे से मेरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो गए। अब हम किस तरीके से अपने पोहा कटलेट को बनाना शुरू करेंगे, हल्का सा अपने हाथों में जो है हम ऑयल को लगा लेंगे और उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियां बनाएंगे। ये बच्चों के लंच वगैरह में रखने के लिए भी बहुत अच्छी है और बच्चे जो है इन्हें बहुत ही मन से खाते हैं। कुछ इस तरीके से हमें ये हमारी टिक्कियां जो है वो बना के रखनी है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट बनने वाला ये नाश्ता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है उनके लंच बॉक्स में। तो मेरी कटलेट जो है वो टिक्कियां मैंने इस तरीके से पोहे आलू की बना के रख ली है। अब चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं, इनको सेकना शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रेड इंग्रेडिएंट्स में ब्रेड क्रम भी दिखाया था, उसका क्या यूज है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हमें हमारी टिक्कियां जो है वो कुछ इस तरीके से ब्रेड क्रम में अच्छे से इनको लपेट लेना है। ब्रेड क्रम हम इसलिए यूज करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा क्रंच आता है और ये बहुत ही जो कटलेट है वो बहुत ही क्रंची लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी टिक्कियां जो है वो अपने ब्रेड क्रम में अच्छे से लगा लेंगे। ये बहुत ही इजी है प्रोसेस। और ब्रेड क्रम अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से इसे बनाते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए ब्रेड क्रम के लिए भी वीडियो आपको बना के बता दूंगी कि किस तरीके से हम लोग ब्रेड क्रम को घर में ही बना लेते हैं। और मेरा पैन जो है वो गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल ऑयल फ्री जो है हमारा नाश्ता है। इसमें हम बिल्कुल हल्का हल्का सा अपना फ्राई पैन में इसको ऑयल इस तरीके से कुछ लगा लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का हमने अपनी नॉन स्टिक पैन में ऑयल को लगा लिया है और अब हम इसमें अपनी टिक्कियों को सेक लेंगे। कटलेट जो है वो फ्राई पैन में डाल दिए हैं। अब हम वेट करेंगे इनके सिकने का और ये हल्के हल्के से जब ब्रेड हो जाएंगे तो इनके डायरेक्शंस को हम चेंज कर देंगे और इनको दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कर लेंगे। और हमारे पोहा आलू कटलेट जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं और हम इसे ग्रीन चिली रेड सॉस के साथ खाएंगे और ये बहुत ही खाने में यम होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टिल देन स्टे हैप्पी। बाय बाय।